ये इधर जनाब चावल की फसल के लिए जो कद होता है ना, जिसमें चावल की फसल की पनीरी लगाई जाती है, वो अभी किया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये कोई घास घूस है, लेकिन ये चावल की फसल की जो पनीरी है ना, कि जो कद की है ना, उसके अंदर जो लगनी है ना पनीरी, ये इसको बोलते हैं पनीरी। सही है इसका। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं एक, और सुबह से ना नहीं कि रात से यानी कि बारिश हो रही है, और सुबह तक बारिश हो रही थी। सुबह के तकरीबन 2 बजे तक जो ना वो मसलसल बारिश हो रही थी, और पीछे भी ये खेतों में पहले पानी वगैरह जमा हो जाता, लेकिन अभी ये खेत जो ना वो हल चला देगी, जिसकी वजह से पानी, बाकी आगे जो है ना वो खेतों में लोग चावल की फसल जो ना वो लगाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइम जो ना विलेज में चावल की फसल का जो ना सीज़न वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इधर हमारे पीछे जो ना वो लोग लगा रहे हैं। फिलहाल मैं उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया, अभी छत के ऊपर आए हैं, अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है, तो थोड़ा सा मौसम इंजॉय करते हैं, साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवाते हैं। तो इधर गाँव का जो देसी माहौल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बने रहे व्लॉग के ऊपर, वगैरह काट के जानवरों के लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना चारा काटना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश में ना चारा गीला हो जाता है, फिर उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी लेके जा रहे हैं जानवरों के लिए। बाकी इधर का माहौल आप चेक करें, माशाल्लाह से हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश के बाद कुछ तरह का सीन है, हर तरफ ग्रीनरी है, और सामने जो ना लोग इधर अपना यहाँ के खेतों में लगा रहे हैं। तो अभी जनाब विलेज में चल रहा है जो ना चावल की फसल का सीज़न, जिसको हम बोलते हैं मुंजी, और मुंजी लगा रहे हैं लोग इधर। ये देखें पनीरी, इसको बोलते हैं चावल की फसल की जो पनीरी होती है ना, वो इधर पड़ी हुई है, ये कुछ लगा रहे हैं। इधर अभी खाने का टाइम हो रहा है, और वो उस साइड पे ना वो खाना खाने गए हुए हैं। ये आगे तक जो ना ये चावल की फसल लग रही है ये साइडों से, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो लोगों का यही होता है कि बारिश हो जाए तो फिर पानी ज़रा कम लगता है, तो फिर वो लगा देते हैं। ये सामने पीटर चला हुआ है, सही है। बाकी इस टाइम अभी विलेज में ना बहुत ग्रीनरी वाला माहौल है, देसी माहौल है, कि नीचे बारिश हुई है, रास्ते आप देख सकते हैं कच्चे रास्ते होते हैं, और कुछ इस तरह का सीन हो जाता है। बाकी मुझे ये बताएं कि किस किस ने जो ना, अगर कोई सिटी से भी है, इनकी विलेज वाले तो अक्सर काम कर लेते होंगे, मुंजी लगा लेते होंगे, या सिटी से जो लोग देख रहे हैं उनमें से किस किस ने ये वाला काम किया हो, यानी कि चावल की फसल जिसको बोलते हैं मुंजी, वो आके ना तो विलेज में लगाई हुई है, अगर किसी ने लगाई हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर कोई लगाना चाहता है तो अभी जो ना विलेज में आके अपना ये वाला भी शौक पूरा कर सकता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मज़ा आता है, अगर ज़्यादा लगानी पड़ जाए तो बस हो जाती है, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं ये वाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, ठीक है, इधर निकले हूँ अपने गाँव के बाहर, रोड पर इंजॉय कर रहे हैं कच्चे ट्रैक पर, देसी माहौल मिस करते हैं जब हम बाहर होते हैं, तो उसकी मेमोरी सेव करके खुद भी हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, जो कि हमारे दोस्त या भाई लोग बाहर हैं उनके लिए कुछ ये होती हैं मोमेंट्स, जो कि वो मिस करते हैं, लाजमी मिस करते होंगे आप भी, तो अगर मिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये इधर जनाब चावल की फसल के लिए जो कद होता है ना, जिसमें चावल की फसल की पनीरी लगाई जाती है, वो अभी किया गया है, साथ साथ इधर पीटर चल रहा है, चेक करें आप, देसी माहौल है ये, इधर हो गया, अब इसके अंदर लगाएंगे। ओ यार वही कहने में बस हो गया, वीडियो में उतू देख के आए हैं वो भाई कह रहे हैं कि अभी तुम आ गए, अभी हमने खत्म कर दिया है, अभी ना लेटर बाहर निकाल लिया है, अभी इसके अंदर जो हल चला रहे थे, ये हो गया कद इसका ना। मौसम बहुत प्यारा है इस टाइम। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये कोई घास घूस है, लेकिन ये चावल की फसल की जो पनीरी है ना, कि जो कद की है ना, उसके अंदर जो लगनी है ना पनीरी, ये इसको बोलते हैं पनीरी। सही है इसका। एक एक जो ना वो कह लें कि आप पौधा होता है वो अंदर लगाया जाता है, ये देखें इसके भी नीचे जड़े हैं, ये जड़ें फिर अंदर पकड़ कर लेती हैं, सही है। तो ये जनाब इसको बोलते हैं पनीरी, सही है। ये चावल की फसल लगती है, ये दो तरह की होती है, एक सुपर, ऐसे सुपरी, ऐसे इसकी काफ़ी किस्में होती हैं, जो आप लगाओगे वो आपको इसका फल मिलेगा। खैर अभी ये पनीरी है। अभी जनाब अपना टाइम हो चुका है ड्रिंक का, और वो भी अपने टॉम किंग्रा में।
अब यहाँ आके हम कंपनी भेजते हैं ना, मेरे साथ भाई हैं वो मोबाइल पर अपने नक्शा चेक करा रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा मतलब आ गया भाई, ये बताओ अभी सुबह से बारिश हो रही थी विलेज में, और अभी कुछ जाके ना तो बारिश कम हुई है और अभी शाम होने वाली है, सूरज जो ना वो गरूब, और अभी जाके ना थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है, ये देखें छत पे ना, इधर आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे जो ना बूंदाबांदी हो रही है। बाकी मौसम जो है ना वो बहुत ही प्यारा हो चुका है, तो मैं तो सुबह से सोया हुआ था, अभी जाके तो बिल किया थोड़ा सा मौसम इन्जॉय कर लें बाहर का, क्योंकि बारिश थी, बारिश में कहीं भी नहीं गए। बाकी बारिश में ये माहौल होता है विलेज का। ये इस तरफ पीछे खेत है और खेत में भी ना पानी शुरू हो गया माशाल्लाह से, हरे भरे खेत। ये सामने जो है वो चावल की फसल लगा रहे हैं लोग, चावल की फसल लगना शुरू हो गया, जब बारिश शुरू हो जाती है ना तो किसानों को फायदा हो जाता है।